मैंने सुन रहा था, एक माननीय सदस्य बोल रहे थे प्रतापगढ़ से कि किसी को पढ़ने का अधिकार नहीं था, कुछ लिमिटेड लोगों का था, करता था। आज कितनी निर्दयता से, क्रूरता से, निष्ठुरता से हरा ऋषि लोग, पहले साहस करके बताया। महोदय, मैं कल्पना में आपको हजारों साल पहले ले जाना चाहता हूँ, जब हमारा वैदिक युग में हमारा शिक्षा व्यवस्था जो आज सारे विश्व में सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। मैंने सुन रहा था, एक माननीय सदस्य बोल रहे थे प्रतापगढ़ से कि किसी को पढ़ने का अधिकार नहीं था, कुछ लिमिटेड लोगों का था, ये एक अपवाद है। द्रोणाचार्य ने अंगली काट लिया, ये सुबह हम पाप मानते हैं, लेकिन सार्वजनिक स्थिति ऐसा नहीं था। बाजार में कोई पांच पैर वाला गाय देखने से प्रबंध में गाय का पांच पैर लिखा नहीं जाता है। गार्गी, मैत्रेयी, विश्ववारा, अपाला, घोषा, ऐसा ब्रह्मवादिनी ऋषिका उस समय में निकले थे। अरे, नारी शिक्षा भी था, हरेक जातियों में शिक्षा था, शिल्प शास्त्र, कला, साहित्य, विज्ञान, दर्शन, ज्योतिर्विद्या, चिकित्सा विद्या, युद्ध शास्त्र, महाकाश विज्ञान, अणुविज्ञान, यांत्रिकी, ऋतु विज्ञान, सारे विषयों में हमारे देश में ज्ञान विज्ञान का आविष्कार हुआ था। और गणित अनुमान किया जाए, अगर जीरो का, शून्य का आविष्कार नहीं होता भारत में तो गणित कितना असहाय हो जाता आज। ज्यामिति, त्रिकोणमिति सब भारत से निकला है। सर, हमारा वैदिक शिक्षा प्रणाली का विशेषत्व क्या था? आज तो हम गरीबों के लिए स्टडी लोन की, स्कॉलरशिप की बात करते हैं, लेकिन उस जमाने में गरीब हो या अमीर हो, राजपुत्र हो या भिखारी हो, सबको मुफ्त में शिक्षा देने का गारंटी था। और इस गारंटी क्या है, जब यूरोप अमेरिका में कोई एक विद्यालय भी नहीं था, इस देश में गांव गांव में बनारण्य में आरण्यक विश्वविद्यालय था। नालंदा, तक्षशिला, उज्जैनी, कुरुक्षेत्र, पुष्पगिरी, ऐसा जगत विख्यात विश्वविद्यालय हमारे देश में था, और सारे विश्व से विद्यार्थी लोग आकर के यह विद्या अध्ययन करते थे। सर, इसमें फूडिंग फ्री, लॉजिंग फ्री, क्लोथिंग फ्री, एडुकेशन फ्री, ऐसी व्यवस्था था हमारे देश में जो आज किसी देश में भी नहीं है। अरण्य में प्रकृति निवास, प्रकृति के साथ तादात्म्य के कारण लव फॉर नेचर डेवलप करता था। आज कितनी निर्दयता से, क्रूरता से, निष्ठुरता से, वैदर्धी से पेड़ों को काटते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाते हैं, लेकिन उस समय में ऐसा था। और आधुनिक काल में दो महात्माओं ने, एक बंगाल में महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर और एक उड़ीसा में हमारा पुण्यात्मा गोपबंधु दास, ये वन विद्यालय का प्रारंभ किया, जो प्रकृति के साथ बैठ करके पेड़ों के नीचे शिक्षा लाभ। आज भी विश्व भारती में ये व्यवस्था है। सर, प्रकृति के परिवेश में मन की एकाग्रता सिद्ध होता है। शिक्षा के लिए पहली आवश्यकता है श्रद्धा और एकाग्रता। आज यंत्रिक सभ्यता में एकाग्रता विच्छिन्न हो गया है, और एकाग्रता ही सकल ज्ञान लाभ का आधार है। उस विद्यालय में सबको समान अपॉर्चुनिटी था, इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, इक्वल ट्रीटमेंट फॉर ऑल, दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ आवर एडुकेशन। सर, हमारा करिकुलम क्या था, मैंने बोल दिया, इस सारे विषय में था। और इसके अतिरिक्त कृषि, कुटीर शिल्प, गणित, व्याकरण सब था मिल करके। सो इसमें जो निकलता है वो कभी नौकरी के लिए, भीख मांगने के लिए किसी के द्वार पर नहीं जाता है। सर, आज हम सगर्व में बोलते हैं मैडम एडम स्मिथ फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, माकियावेली फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस, लेकिन हम कौटिल्य का अर्थशास्त्र को समझने की ताकत नहीं रखते हैं, जो वास्तव में दुनिया में अर्थ तत्व का ज्ञान विज्ञान सारा दुनिया को प्रदान करता है, हम इसका ताकत नहीं रखते, क्योंकि संस्कृत भाषा के प्रति हमारा विद्वेष और अज्ञानता के कारण इस भाषा पेटिका में आबद्ध इस विषय को हम जानते नहीं। और ऐसा शिक्षण पद्धति से इंटीग्रेटेड ह्यूमन बींग आते हैं, इसका उद्देश्य था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैन। सर, आज अंग्रेजों ने हमारे देश में जो शिक्षा व्यवस्था प्रवर्तन किया, हमारा मूल शिक्षा व्यवस्था ध्वंस कर दिया। लॉर्ड माकले ने जब इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम इधर चालू किया तो ब्रिटेन में हल्ला हो गया, भारतीयों को शिक्षित करता है। उनका पिताजी और सिस्टर उनको चिट्ठी लिखे, चिट्ठी में उन्होंने जो मार्मिक उत्तर दिया, माई डियर फादर, आई एम नॉट एजुकेटिंग इंडियंस, इंडिया वॉज 100% एजुकेटेड बाय दिस टाइम, आई एम मेकिंग देम फूल्स।
माय डियर फादर, आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस सच ए पैटर्न ऑफ एजुकेशन इन इंडिया बाय व्हिच इंडियंस विल बी यूरोपियन इन टेस्ट एंड इंडियन विल नॉट, एंड नो हिंदू विल रिमेन हिंदू विदाउट दिस लेटेस्ट अटेम्प्ट टू प्रोसेलिटाइज 10 इयर्स सिंस. सर, दिस वाज ए इंपीरियल डिजाइन ऑफ द ब्रिटिश पीपल एंड वी फेल ए प्रे टू इट. अंग्रेजों ने हमारा देश का शिक्षा और शिल्प को समाप्त कर दिया. वेदों में बताएगा सा विद्या या विमुक्तये, किससे मुक्ति? विद्या दरिद्रता से मुक्ति प्रदान करता है, अज्ञानता से मुक्ति प्रदान करता है, अपूर्णता से मुक्ति प्रदान करता है, दुर्बलता से मुक्ति प्रदान करता है, जन्म मरण चक्र से मुक्ति प्रदान करता है. इसलिए वेदों में एक प्राचीन ऋषि को जब पूछा गया उनका ब्रह्मचारी शिष्यों के द्वारा, कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भ्रवतीति, इज देयर एनी प्रिंसिपल बाय नोइंग व्हिच वी कैन नो द होल यूनिवर्स, एनी कॉमन प्रिंसिपल? जैसा पानी का धर्म क्या है, H2O, दुनिया में कितना पानी है, कौन सा नर्दमा पानी हो, समुद्र पानी हो, कुएं का पानी हो, सब पानी का एक कॉमन प्रिंसिपल है. इज देयर एनी कॉमन प्रिंसिपल? द टीचर आंसर्स यस, देयर इज अ कॉमन प्रिंसिपल. दे विद्ये वेदितव्ये इतिहासम यद् ब्रह्म विदो वदन्ति पराचैव अपराश्च. विज्ञान कहते हैं दुनिया में दो प्रकार का विद्या होता है, एक होता है अपरा, दूसरा होता है परा. हमारा ऋषि लोग पहले साहस करके बताया कि इस दुनिया में जितना ज्ञान विज्ञान हम आहरण करते हैं, इतिहास, गणित, भूगोल, विज्ञान, दर्शन, वेदोपनिषद पर्यंत, सब है अपरा विद्या, ऑर्डिनरी साइंस. देन व्हाट इज परा साइंस? दिस है यदक्षरं ब्रह्मविदो, अर्थात जो अक्षर जो दृश्यमान नहीं होता है, जो सबके अंदर शक्ति रूप में विराजित है, उनको जो ज्ञान प्रदान होता है, इसको हम परा विद्या मानते हैं. सर, एडुकेशन ड्रॉज आउट दिस पोटेंशियलिटी इन ह्यूमन बीइंग. व्हाट इज एडुकेशन? एडुकेशन इज नॉट बुक लर्निंग जस्ट. स्वामी विवेकानंद कहते हैं, व्हाट इज एडुकेशन? इज इट बुक लर्निंग? नो. इज इट डाइवर्स नॉलेज? नॉट इवन दैट. द ट्रेनिंग बाय व्हिच द करंट एंड एक्सप्रेशन अप व्हील आर ब्रट अंडर कंट्रोल and becomes fruitful is called education. Because our current and expression are not brought under control, we say something nonsense sometimes. So, we have to be educated means our mind has to be educated. He says, education is the manifestation of perfection already in man. And education is not the amount of information that is put into your brain and runs riot, undigested all your life. How undigested? Sir, हमने इस हाउस में सुनते हैं देखते रहता है, कोई कोई संविधान को पकड़ करके आते हैं, जैसा संविधान उनका जीवन का स्पंदन है, ऐसा बोलते हैं, सर मुझे दुख है जो संविधान को तोड़ मरोड़ करके अपमानित किया जिंदगी भर, वो संविधान को पकड़ करके आते हैं. इवन डेविल्स कैन कोट स्क्रिप्चर फॉर देयर ओन पर्पस. सर, मैं पूछना चाहता हूँ, जो आज गणतंत्र की बात करते हैं, जो सांप्रदायिकता की बात करते हैं, धर्मनिष्ठा की बात करते हैं, मैं पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान को विभाजित किसने किया? जो भारत जोड़ो का कार्यक्रम चलाते हैं, कौन सा लिगासी को लेकर के प्राइड करते हैं? जिस लिगासी को गर्व करते हैं, वही लिगासी देश को बार बार खंडित किया. सर, हमने कभी नहीं बोला था, एक माननीय सदस्य ने बोला, हम मुगल है, मुगलों जो आए थे, क्या क्या मुगलों को तो उखाड़ नहीं फेंक सकते. सर, जो इस देश का विदेशी आक्रांत है के साथ अपना तादात्म संबंध स्थापित करता है, इस देश का नहीं है. मैं साहस पूर्वक कहता हूं, हम रहीम और रस खान को सम्मान करते हैं, पैर पूजा करते हैं, लेकिन आक्रांता बाबर तैमूर लंग नादिर शाह को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उनके औलादों को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे. सर, सर मुझे तो प्रारंभ ही हुआ है. सर मनवर, सर मैं कहना चाहता हूं, विवेकानंद स्वामी ने बोला, वी वांट दैट एजुकेशन बाय व्हिच कैरेक्टर इज फॉर्मड, स्ट्रेंथ ऑफ माइंड इज इंक्रीज्ड, इंटेलेक्ट इज एक्सपेंडेड, एंड बाय व्हिच वन कैन स्टैंड ऑन वन्स ओन फीट. सर, अपना पैरों पर खड़ा होने के लिए इस बजट में बहुत सारा व्यवस्था है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में व्यवस्था है. जिन्होंने इस देश को लंबा समय तक शासन किया, शिक्षा व्यवस्था में कोई संस्कार करने का कोशिश नहीं किया, सपने भी नहीं देखा, कोई विजन नहीं था. माननीय मोदी जी का विजन है, मिशन है, सपना है. सपना क्या है?
अब्दुल कलाम ने बोला कि सपना वो नहीं होता है जो रात में सोते हुए देखते हो, सपने वो होते हैं जो तुमको दिन और रात में सोने नहीं देता है। ऐसा पागल देशभक्त माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो सपना देखा, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आया। सर धन्यवाद। आवर यूनिवर्सिटीज फॉर मोर देन 50 इयर्स टुक इट फॉर ग्रांटेड दैट रिमेम्बरेंस इज द ओनली क्राइटेरियन ऑफ नॉलेज। हैड इट बीन सो सर, had it been so, then encyclopedias and DVD cassettes would have been the biggest, greatest of resources and professors. But that is not so. The inner perfection is to be drawn out, and we cannot reach perfection because we are already perfect. That is to be discovered. Sir, I remember one incident. Newton, he was a big scientist. He was walking on the road. He saw the apple was falling. He asked to himself, why the apple is falling? Why it is not going upward, downward? Why it is not going southward, northward, eastward, westward? He asked this question to himself. He thought over it very deeply, meditated on it, and discovered a missing link in his own brain and named it the law of gravitation. If somebody discovers a truth in the material world, he is called a scientist. If somebody discovered a truth in the spiritual world, he is called a rishi. Rishaya mantra drashtaram natu vedasya karanam न कश्चित् वेद कर्तारं वेद स्मर्ता चतुर्मुखं। सर, दि न्यू मॉडर्न एजुकेशन पॉलिसी, दि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हैज बीन डिजाइंड टू फुलफिल दिस ऑब्जेक्टिव एंड दि बजेट ऑल्सो, दि डिमांड फॉर ग्रांट्स इज ऑल्सो डिजाइंड टू फुलफिल दिस ग्रेट गोल। सर, स्वामी विवेकानंद सेज व्हाट वी से लर्निंग इज इन स्ट्रिक्ट साइकोलॉजिकल सेंस व्हाट वी डिस्कवर, बट दिस डिस्कवरी वॉज thrown out of Congress administration. Sir, sir, they were only getting by heart. That was the method of their teaching. We spent so much energy in processing crude energies, coal, petroleum, and drought, saccharine, radium, all that. But we never spent so much of money during Congress period in processing human energy. And education is nothing but processing of human energy. What is the limitation? Sky is the limitation. Infinite potentiality, tremendous possibility is within every human being. This has been recognized in this national education policy. Modi ji revolutionized this idea, sir. A nation is not great and good because its parliament is next and that. A nation is great and good because its people are great and good. Man with integrity. अंग-अंग में बल विक्रम भरा, तेजस्वी ओजस्वी चरित्रवान देशभक्त राष्ट्रभक्ति में उत्प्रोत अन्याय का प्रतिकार करने का सामर्थ्यशाली ऐसा संगठित सामर्थ्य का अधिकारी नवयुवक को निर्माण करना, ये हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ध्येय है और इसका आविष्कर्ता है माननीय नरेंद्र मोदी सर। 2.5 लाख गाँव से पंचायत से जो आया सजेशन सर, यूएलबी 7,000 सर, इसमें से सर 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 5 मिनट, इसमें से जो सजेशन आया दीर्घ विचार विमर्श के बाद, ये विचार मंथन समुद्भूत अमृत धारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और इसको क्रियान्वित